आईसीयू में भर्ती शख्स को क्यों लगाई हथकड़ी, चैन से भी बांधा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने राज्य सरकार की लगा दी क्लास। एक अजीब मामला सामने आया है कि कोई पेशेंट था, वो आईसीयू में एडमिट था, लेकिन पुलिस ने उसको आईसीयू में भी हथकड़ी और चैन से बांधा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी दिखाई और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगा दी। इस मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर को पीजीआई रोहतक के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। 19 अक्टूबर को सौंपे अपने हलफनामे में मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने आईसीयू में हथकड़ी लगाए जाने की पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में आरोपी शख्स को आईसीयू में हथकड़ी लगाने और उसे बेड से एक जंजीर में बांधने पर सख्त नाराजगी जताई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि यह तो संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है। बेंच ने हरियाणा सरकार की तरफ से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक ठकुरवाल से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। बेंच ने ठकुरवाल से पूछा, आपका इस पर क्या स्पष्टीकरण है? यह अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है। हलफनामे में दर्ज है कि आईसीयू में भर्ती होने के दौरान उसे हथकड़ी लगाई गई थी, आप इसे कैसे उचित ठहराते हैं? कोर्ट ने ठकुरवाल से ये भी बताने को कहा कि ऐसी अमानवीय हरकत के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आरोपी विहान कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। विहान ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। विहान ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट की याचिका में उसने आरोप लगाया था कि जब वह पीजीआई रोहतक के आईसीयू में भर्ती था, तब उसे धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में हथकड़ी लगाई गई थी और उसे चैन से भी बांधकर रखा गया था। इस मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर को पीजीआई रोहतक के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। 19 अक्टूबर को सौंपे अपने हलफनामे में मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने आईसीयू में हथकड़ी लगाए जाने की पुष्टि की है। इस हलफनामे को देखते हुए जस्टिस ओका ने कहा कि यह तो संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है। कोर्ट ने डबल एजी से पूछा कि इस तरह की हरकतों को कैसे उचित ठहराया जा सकता है और यह जानने की मांग की कि इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है। हालांकि हरियाणा के डबल एजी दीपक ठकुराल ने दावा किया कि आरोपी की हथकड़ी तब हटा दी गई थी जब उसे पेशाब करने के लिए बाथरूम जाने की जरूरत थी। ठकुराल ने यह भी कहा कि हथकड़ी का इस्तेमाल केवल कुछ समय के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बारे में निर्देश लेने के लिए अस्पताल में कौन संबंधित अधिकारी मौजूद था। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि आरोपी को पूरी रात बिस्तर पर जंजीर से बांध कर रखा गया था। जस्टिस ओका ने इस पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि अगर आरोपी को बिस्तर पर जंजीरों से बांधा गया था तो यह अनजाने में किया गया कृत्य नहीं होगा, लेकिन यह सवाल यह है कि आरोपी को चैन से बांधने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने आगे पूछा कि अस्पताल के हलफनामे में आरोपी को बिस्तर पर जंजीर से बांधने का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान अस्पताल के वकील ने स्वीकार किया कि आरोपी को बिस्तर पर जंजीर से बांधा गया था। कोर्ट ने पूछा कि आखिर अस्पताल पुलिस को क्यों बचाना चाहता है।